बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अजमत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। ये वो जगह जहाँ जो तैयार की थी पनीरी लगाने के लिए, यानी धान की फसल के लिए जो पहले पनीरी लगाई जाती है उसके लिए, और उसमें खड़ा रखना पड़ता है पानी कंटिन्यूसली। और किसी वजह से हमारा जो पीटर जनरेटर था, जनरेटर पीटर जो था हमारा, वो चल नहीं रहा है प्रॉपर और बार बार बंद हो रहा। तो मैं हूँ एज अ मकैनिक आज अपने इस पीटर को सही करने के लिए। स्पेशल खिदमत हासिल की है मेरी अब्बू ने और भाई मुबारक ने। वो भाई मुबारक भी घूम रहे हैं यहाँ पे खुदा ले के इसको सही करके दूँ मैं। आई एम अ मकैनिक यू नो। हाँ जी भाई मुबारक दोस्तों, फिर की प्रॉब्लम समझ आ रही, की लग रही की प्रॉब्लम हो सकती है? जनरेटर को ना चला रहे हैं और स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, बंद हो जाता है और मिसिंग कर रहा है। बस यही फॉल्ट आ रहा है इसका, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। बाकी ठीक ही है, बस यही फॉल्ट है कि चल नहीं रहा, बाकी ठीक है। तो हमें एज अ मकैनिक इन्होंने हायर किया, तो आप लोग बताइएगा इस मकैनिकी का मुआवजा क्या है। बस वीडियो देखिए आप, मेरी मेहनत देखिए और फिर बाद में आपके डिसाइड किए हुए जो मुआवजा होगा वो मैं वसूल करूँगा भाई मुबारक से। जो ठीक करोगे दोबारा हम ख़राब करवा देंगे। तो आज इसको हम करने जा रहे हैं ठीक, और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो देखते हैं स्टार्ट करके इसको प्रॉब्लम क्या। स्टार्ट नहीं हो रहा, तो छोटे मकैनिकों की तरह, यानी सबसे पहले इसका वो देसी मकैनिक जो होते हैं, जो गाड़ी मकैनिक मेरी तरह के, तो सबसे पहले इसका खोल के देखते हैं प्लग। प्लग में अगर वो कचरा मचरा हो या जिस तरह की चीज़ होती है तो उसकी वजह से भी जो है ये स्टार्ट नहीं होता। लेकिन प्लग खोलने से पहले हम एक और ट्रिक अपनाएंगे, और वो ट्रिक क्या है वो भी आपको भी बताते हैं, एक मिनट ज़रा। अच्छा प्लग पहन लिया पहन मकैनिक तू है कि मैं? नहीं मैं असल में समझा शायद पहले से कोई जुगाड़ तन में दस है, तू चीजा पूरी करके ले आनी कि मैं लेके आनी। तो चले हम अब लेके आते हैं प्लग बना, ये प्लग खोलने के लिए मैकेनिक ये और चीजें मुझसे पूछ रहा है कौन कौन सी लेके आनी। तो अभी चलते हैं प्लग बना लेके आते हैं। जब प्लग बना नहीं मिले जनरेटर वाला पता कि उत्थे पे समान दे विच मैं सारे वेखा मैंने नीचे नजर आया कितने कोई पता आइडिया कोई अब जान तो नहीं कितने ने अभी पूछ लेना ही अभी ने पूछा नहीं नहीं भूल यार मैं पूछ के। अबू को भी नहीं पता तो शाहदरों को लाया पहचानों को आना जनरेटर है उसको पता कर। चलो फिर ये मिल गया प्लग बना, और कितना अच्छा मकैनिक को देखो, मैं एक काम करने गया था और दूसरा साथ में ले आया हूँ एहतियातन नेक्स्ट स्टेप के लिए, कि अगर प्लग वगैरह साफ़ करना पड़ता तो एमडी पेपर की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं साथ ही ले आया हूँ ताकि दोबारा ना भाई मुबारक मुझे भेज दे। सियाना हो गया बहुत हूँ तो मांग के लें ना अगू नवा लाया जाके नवा ही लेना अपने नहीं ढूंढना है वो की पता तू रखे था कितने है भी सही है। प्लग खोलने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि इसकी वायर में करंट भी आ रहा है कि नहीं। मोटरसाइकिल वगैरह हो तो उसका तो डायरेक्ट वो वायर निकाल के चेक हो सकता है, लेकिन इसका जो प्लग होल्डर है वो काफ़ी डीप होता है, तो उसके लिए हम एक जुगाड़ इस्तेमाल करेंगे, और जुगाड़ क्या है वो भी आप देखिए। अब प्लग वायर में लगाएंगे ये पिन, चलो मारो पिन। ठीक है, कैमरा की आंख में वो करंट नज़र नहीं आ रहा जो कि डायरेक्ट आंख से नज़र आ रहा था, तो इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है और प्लग में कोई प्रॉब्लम है, और प्लग का जो प्रॉब्लम है प्लग खोल के चेक करेंगे। वैसे ये प्लग भी काफ़ी गहरा होता है, और इसके जो पाना इस्तेमाल किया जाता है प्लग खोलने के लिए वो दूसरा मोटरसाइकिल वगैरह वाला नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और लेंथ ज़्यादा लंबी चाहिए। इसको खोलेंगे, मुझे प्लग की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, इसको एक दफ़ा साफ़ करके चेक करते हैं।
दही इलाकों में हर घर में तकरीबन मेरी तरह के मैकेनिक और इस तरह के औजार होते हैं, क्योंकि कोई भी टूल या कोई भी जो मशीनरी है वो इस तरह ख़राब हो जाए तो उसको हल्के फुल्के जुगाड़ के लिए, आप समझ रहे हैं ना, आगे 15,000 बंदा हाजिर, और हर घर में तकरीबन होता है इस तरह का हर फन मोला। ये सारा का सारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पॉइंट पे जो करंट जो है इसका वर्क करता है वही हम साफ़ करेंगे बस, और इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं अब क्या बनता है। एहतियातन जनरेटर को किक लगा के एक दफ़ा देख लेंगे कि इसके अंदर जो कचरा वगैरह हो या कोई ऑयल जो पेट्रोल वगैरह ओवर हो जाता है उसकी कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी स्टार्ट नहीं होती, तो इसको किक मारेंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा पिस्टन के ऊपर जो कचरा या एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर निकल आता है ताकि अंदर से साफ़ हो जाए। अंदर कोई चीज़ नहीं थी मगर एहतियातन ये अच्छी चीज़ होती है। प्लग साफ करके लगाओ तो एक बार स्टार्ट हो जाए, करंट आ रहा था इसमें प्लग, इसका साफ करके हमने वापस लगा लिया और अब एक दफ़ा इसे स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरेटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो गया और नतीजा यहाँ पे ये निकला कि प्लग जो है ना वो उसका वो शायद ज़्यादा ऑयल उठा रहा है। अब इसको साफ़ किया और देखते हैं चला के कि क्या सूरत हाल निकलती है। अगर दोबारा से बंद हो गया तो फिर इसके लिए कोई पार्ट्स वगैरह जो है वो चेंज करना पड़ेंगे, और पार्ट्स में सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका प्लग। जनरेटर जो है वो दोबारा से बंद हो गया, तकरीबन खेत में आधा पानी जो है वो भर गया और आधा रह गया, तो जनरेटर बंद हो गया। मुझे लगता है कि दोबारा अजमत को बुलाना पड़ेगा। ये देखें पानी जो है वो ख़त्म हो गया और मैं अभी जाता हूँ उसे बुलाने के लिए। और अब हम अपना ले आए हैं खुद का प्लग पाना और साथ में प्लग भी, क्योंकि जनरेटर भाई मारे को बताया दोबारा बंद हो गया तो प्लग इसका चेंज कर ही देते हैं हम। मैंने सोचा क्या बंदा बार बार मेहनत करता रहे प्लग खोल के साफ़ करके दोबारा उनको लगा के दे, तो मिस्त्री हज़रात हैं हम तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से बेहतर है कि मालिकों का ज़्यादा ख़र्चा करवा दें, तो प्लग नया लगा देते हैं। और ये प्लग भी मैं खुद जाके मार्केट से लेके आया हूँ और साथ में इनको ये भी ला के दिया मैंने यहाँ के मालिकों को, ये मतलब ये ओनर्स जो हैं इस खेत के और इस पीटर के, तो आप ज़रूर बताइएगा कि इनसे कितने पैसे वसूल करने चाहिए। नहीं तो ओनर नहीं है तू, ओनर नहीं है, मैं इसलिए मैकेनिक हूं, तू चावल तो नहीं खाने। नहीं वो तो बाद की बात है ना, चावल तो नहीं खाने ना, फिलहाल मैं मैकेनिक हूं, बता दो ना नहीं खाने। वो बाद में सोचेंगे, फिर वेजेस आपकी पे करते हैं, वो बाद में सोचेंगे। जो बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं रहा, और ये है पुराना और ये है नया, अब ये लगाते हैं।
ਇਧਰੋਂ ਰੇਸ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ अपनी बात करने के लिए एक दफ़ा फिर से बंद किया और उम्मीद है अब जो है वो बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। और ये थी मेरी मजदूरी आज की, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ओनर से कितनी वेजेस जो है इसकी चार्ज करने चाहिए, कितने चार्जेस चार्ज करने चाहिए। और हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। इससे स्टार्ट तो आपसे हुआ नहीं, स्टार्ट तो आपसे हुआ नहीं, स्टार्ट तो मैंने करवाया, मैंने बताया इस तरह स्टार्ट होगा। इससे पहले कि मुबारक जो है वो इस बात से जो है वो हट जाए कि हमने वेजेस पे नहीं करने, स्टार्ट मैंने करवाया, प्लग लगाने का क्या फायदा, मुझे लगता है हमारा पुराना प्लग ही ठीक है। वो डाउट आ रहा है ना दोबारा। तो हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।